अच्छा ओके okay. हाँ शोभा की तो बहुत फेवरेट है, उसको तो ओके गुलाब जामुन प्यारी मैम, लेके रहानी जाती है। प्यारी मैम आपको कैमरा थोड़ा सा सेट करना होगा अपना, उस पे फोकस आप उस पे रखिएगा जहां पे आप बना रही हैं। नहीं इस साइड मत रखिए, वहां से आपकी विंडो का रिफ्लेक्शन आ रहा है। हेलो बट आपके इंग्रेडिएंट्स कहाँ पर दिखेंगे हमें? तो फिर एक हाथ से दिखाना पड़ेगा नहीं ऐसे। मैम, आप उसको दूसरी साइड में रखिए ना, किसी चीज की सपोर्ट देके। हेलो रति, कैसे हाय उमा मैम। ठीक हैं? हूँ मैम। थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है इसका पिक्चर। हाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ हाँ अभी ठीक है थोड़ा सा, लेकिन जब आपको फिर बनते हुए दिखाना होगा तो फिर आप थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर देना, ठीक है? क्लियर नहीं है, लाइट आ रही है, लाइट बहुत आ रही है। हाँ रोशनी बहुत तेज है पीछे से, दिखाई नहीं दे रहा है। रानी जी आपके मोबाइल में कवर लगा हुआ है क्या पीछे? हाँ 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 तो वो हाँ उसको भी हटा दीजिए। हटा दीजिए उसको ना, वो कवर को भी अच्छा हटा दीजिए और थोड़ा सा ना कैमरा को पीछे से क्लीन कर लीजिए। लेकिन मैं तो फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ। फिर आगे से क्लीन कर लीजिए। ये धुंधला आ रहा है ना, ये शायद उनका इनका कैमरा क्लीन नहीं है पीछे से। कॉटन से किसी से साफ कर लीजिए पीछे से कैमरे को। हेलो हेलो माँ जी, हेलो अच्छी मैम, दिखाई। अच्छा तोमर बस कैसे हो सब? आप बताओ, ठीक हो? बढ़िया। हाँ उमा जी मैं भी बुलंदशहर से ही हूँ। बुलंदशहर से हैं आप? अर्चना तंवर बोल रही एक्चुअली हैं? अर्चना तंवर? मैं बुलंदशहर से, मम्मी पापा मेरे बुलंदशहर के हैं, लेकिन मैं वैसे मुझे फटनागर में सेट हो जाते हैं ना, जैसे जॉब होता है तो वहीं सेट हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ना मेरे नानी और दादी की वो सब मुझे उमा, हाँ बुलंदशहर के हैं। अच्छा अर्चना तंवर बोल रही है इतनी ना? रोशनी बहुत आ रही है। अर्चना जी बोल रही हैं? हेलो हेलो अर्चना जी बोल रही हैं? अर्चना तोमर। हाँ जी अच्छा, तो बुलंदशहर में किस जगह से? ये मेरे चाचा वहां रहते हैं, सिविल हॉस्पिटल है वहां के उसके आसपास। हाँ जी, हाँ जी, मेरी ससुराल है वहां पे बुलंदशहर में। वही वही आपके घर के पास ही की बता रही थी अर्चना मुझे, तो मैंने बताया था, मैंने कहा आपका घर भी उधर ही है। हाँ हाँ जी, मेरे चाची वगैरह रहते हैं उधर, दो चाचा रहते हैं। मेरी जिठानी रहती है अभी वहां पे, सास ससुर तो नहीं है, तो वो डीएम कॉलोनी के, डीएम कॉलोनी के पास रहते हैं वो, उनकी कोठी डीएम कॉलोनी के हेलो पास। प्याली। अच्छा, नहीं जाते हैं खाते हैं वैसे। हेलो प्याली रिदान बेटा मिनट। हेलो प्याली मैम, हेलो। हेलो हाँ आपने हाँ ये प्याली, ऑल द बेस्ट। मैम आपका व्हाइट ऑयल कौन से वाला धुंध, यूज करना है? मैम व्हाइट पिक्चर ऑयल, धुंधली आ रही है आपकी बिल्कुल। व्हाइट ऑयल कौन से वाला है मैम? ये सनफ्लावर ऑयल या कोई भी चलेगा, सनफ्लावर ऑयल ही अच्छा रहेगा, बेस्ट है सनफ्लावर ऑयल। मैम अगर सनफ्लावर जैसे सफोला गोल्ड है, ये रिफाइंड नहीं, ऑयल बेसिकली बेसिकली रिफाइंड लेना है। फाइन लेना है शोभना मैम? देसी हाँ घी नहीं यूज कर बेसिकली सकते? नहीं, रिफाइंड है, देसी घी में तलने चाहिए रसगुल्ले गुलाब देसी जामुन घी में को। होने चाहिए, रिफाइंड में यूज करना नहीं चाहिए। रिफाइंड का तो बहुत नहीं बेकार मतलब बनेगा। ग्रीन के लिए वो नहीं, वो नहीं कह रही कोई मैं वो कह रही हूँ कि जो उन्होंने लिखा है वो बेसिकली रिफाइंड ऑयल लिखा है। हाँ, अच्छा लेकिन हाँ गुलाब जी हाँ जी गुलाब जामुन देसी घी में बनाने चाहिए। हाँ और हाँ नमकीन हाँ मैम रिफाइंड में चल जाएगी? हाँ नमकीन तो चल जाएगी हाँ रिफाइंड, हाँ बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू मैम उमा जी, लेकिन थैंक यू। खाने में स्मेल मैं आएगी, खाने में स्मेल आएगी अगर रिफाइंड में बनाएंगे हाँ गुलाब हाँ जामुन। हाँ रिफाइंड में तो स्मेल आएगी। घी उसमें डाल जाएगा ना, गुलाब जामुन का जो वो बनेगा डो बनेगा उसमें घी डाल जाएगा, इच्छा है अपनी किसी में भी बना लो, घी में बना लो रिफाइंड में बना लो। जो जैसे खाना चाहता है वो ऐसे ही बना हाँ लेगा। जी, हाँ जी, बिल्कुल। रिफाइंड में बनाना है वो रिफाइंड में बना लो, जिसको देसी घी हाँ नहीं, देसी घी में बना लो। या प्याली मैम नाउ यू कैन स्टार्ट योर सेशन। ओके।
ओके आई विल जस्ट पुट देम म्यूट टेरी जी आपकी थोड़ी पिक्चर धुंधली आ रही है बीबी क्लियर नहीं या तो कैमरा की क्लैरिटी ठीक नहीं है अभी ठीक या तो उल्टा कॉटन साफ कर लो आप थोड़ा कैमरा साफ कीजिए अपना पीछे से मैम कैमरा फ्लिप भी कर सकते हो आप दूसरी साइड से कैमरा एक बार फ्लिप करो साइड से रख के देख लो हाँ आप एक बार बैक कैमरा यूज कीजिए अभी ठीक है हाँ अभी क्लियर है क्लियर है हाँ मच बेटर पहले से क्लियर है पहले हम क्या बनाएंगे आप? तो अभी स्टार्ट करें हाँ जी मैम आप स्टार्ट कीजिए मैं एक बार सबको म्यूट पे कर देती हूँ ऑल द बेस्ट प्याली गुड लक प्याली थैंक यू पहले हम वो कुरकुरे नमकीन के लिए दो प्रिपेयर करेंगे ठीक है तो इसके लिए हम मेजरिंग कप लेंगे और उसके टेर कप सूजी लेंगे और मिक्सी में उसको चला लेंगे ठीक है अली मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है ठीक से अभी आ रही है हाँ आ रही है ठीक है आप हैं यहाँ मैं ये कप ले रही हूँ आपके पास जो भी कप है चाय का कप वो भी ले सकते हैं मैम आप हो कहाँ पे इसके लिए हम कप ले रहे हैं जी ठीक है करना है प्लीज रिपीट ये कुछ मिक्स नहीं कर रही हूँ ये सिर्फ सूजी लिया है सूजी का भी ग्राइंड करना है मिक्सर में भी हम मिक्सर में इसको चला लेंगे बारीक बड़ी सूजी हो तो भी चलाना पड़ेगा और मोटी वाली हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा मेरे पास बारीक वाली है तो मैं थोड़ा कम टाइम के लिए करूंगी अगर किसी के पास थोड़ा मोटे वाली सूजी है तो उसमें थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा मिक्सर में ठीक है अभी हम एक बार देख लेंगे कि पाउडर जैसा हुआ है कि नहीं अगर थोड़ा दरदरा रहे तो फिर से पीसेंगे एक बार और चलाना पड़ेगा थोड़ा दरदरा है अभी भी सूजी जो है ये महीन हो गया तो इसको हम डाल देंगे हल्की सी दरदरी चल जाएगी हाँ हल्की सी दरदरी चल जाएगी नहीं एकदम फाइन पेस्ट है हाँ एकदम पूरा आटा जैसा तो नहीं बनेगा थोड़ा दरदरा तो ये रहेगा लेकिन जितना हो सके उतना फाइन करना है तो टेक्सचर अच्छा आएगा सूजी में आपने क्या क्या डाला है पीसने में अभी कुछ नहीं डाला है सिर्फ सूजी को पीस दिया है मिक्सी में ओके अभी डालेंगे इसमें ठीक है
उसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स डालेंगे हाफ टी स्पून या एक टी स्पून भी डाल सकते हैं, ये जैसा जो जैसा तीखा चाहे। पियाली क्या डाला है सूजी में फिर पीसने के बाद? पीसने के बाद चिली फ्लेक्स डाला है। अच्छा ठीक, अभी हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे एक टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। वो भी एक टीस्पून जितना ही डालेंगे। अभी नमक डालेंगे हम। नमक भी एक टीस्पून डालेंगे, कोई कम ज्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। अभी इसमें हम थोड़ा कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को क्या करेंगे, ऐसे चम्मच से एक चम्मच भर के लेंगे, थोड़ा ज्यादा ही लेंगे क्योंकि कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और हाथ में ऐसे ऐसे क्रश करेंगे, थोड़ा हाथ में ऐसे क्रश करके फिर डालना है कसूरी मेथी को। अभी दो चम्मच ऑयल देंगे इसमें। एक बार रिपीट कर लेंगे प्लीज। पहले हमने सूजी को मिक्सी में चला लिया है। हाँ जी हाँ जी। फिर इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स। किसी के पास अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो चिली पाउडर भी डालने से भी चल जाएगा। ठीक है, नहीं चिली फ्लेक्स है मेरे पास। हाँ तो चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और काली मिर्च डालेंगे। और उसके बाद नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। और कसूरी मेथी डालेंगे एक चम्मच भर के। कसूरी मेथी क्या है, और उसको हाथ में थोड़ा क्रश कर लेना है। इसमें बीच में ऑयल डालना है। ऑयल डालना है बीच में इसमें? हाँ मोइन मोइन अभी डालेंगे ऑयल। ठीक है, मोइन के लिए डालना है। अच्छा अच्छा, अभी डालेंगे, नहीं डालेंगे अभी। तो इसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे हाथ से।
बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। ये कप किसी का बड़ा छोटा होता है तो मोइन का कैसे पता लगेगा? मैं कह रही हूँ कप किसी उसमें कप उसमें किसी कोई नहीं है, तो आप नॉर्मल चाय का जो कप है उससे भी ले सकते हैं। मेरे पास कभी-कभी मैं इससे भी ले लेती हूँ, ऐसे वाले कप तो होते ही हैं सबके घर में। हाँ हाँ ऐसे वाले कप से सबके भी ले सकते। मैं अभी ये इस कप से लिया, ये भी होता ही है, या किसी छोटे वाले कटोरी में भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैं म्यूट कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे, प्याली मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है। अभी ठीक है, इसको अभी गूंदेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से इसे गूंथना है। मैम आपने ऑयल के बाद क्या डाला है इसमें? ऑयल के बाद पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के फिर एक डो बनाया है। ठीक है ऐसा बना है। अभी इसको और भी गूंदना पड़ेगा, थोड़ा नरम डो बनेगा क्योंकि सूजी है तो ये पानी को सोख कर लेगा, फिर बाद में थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो अभी थोड़ा नरम इसको गूंदेंगे तो फिर रेस्ट करने के लिए जब रखेंगे 10-15 मिनट के लिए तब ये सेट हो जाएगा। ये गूंदेंगे और इस बीच में हम क्या करेंगे, थोड़ा गैस को ऑन करके वो जो 2 कप दूध लिया था ना गुलाब जामुन के लिए, उसको गैस पे रख देंगे तो वो हाफ हो जाएगा। मतलब 2 कप को हमें 1 कप करना है। तो इस बीच में हम ये कर लेंगे। मैं इसको गैस पे रख देती हूँ। एक मिनट चांदना मैम।
मैं 1.5 कप के करीब करके रखती हूँ। ये जो तुमने सूजी 1.5 कप लिया था जिसे ग्राइंड किया था हमने, हाँ वो उसके तो तुमने 2 बनाए? हाँ हाँ उसी के 2 बनाए। उधर क्या रखा है गुलाब जामुन के लिए? गुलाब जामुन के लिए वो दूध उबलने दिया है, दूध को 2 कप दूध लिया था ना, हाँ तो वो 2 कप दूध को हमें 1 कप करना है, ठीक है उसे उबलने के लिए रखा। थैंक यू, वेलकम। हेलो हेलो यस मैम, रति ये पूछना था ये जो डो इन्होंने रेडी करके रखा है ये बाद में मतलब टाइट होने के लिए रखा है इन्होंने, अभी लूज डो है या फिर अभी नॉर्मल है मतलब जैसे? अभी नॉर्मल ही है। हाँ जी हाँ जी अभी नॉर्मल है। आप इसको अभी भी गूंद रहे हैं? आप इसको सेट करने के लिए रखेंगे क्या? हाँ हाँ सेट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू रति, थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। जैसे जैसे हम घूमते जाएंगे तभी थोड़ा सा हो जाएगा, तो तभी थोड़ा थोड़ा करके 1 चम्मच करके पानी हम डालते जाएंगे इसमें, क्योंकि सूजी है इसमें तो पानी सोख कर लेगा। बबीता मैम पूछिए। हाँ हो गया, वो जो पूछना था दूध वाला बात वो सुना नहीं था तो बाद में रिपीट हुआ तो समझ आ गया। अच्छा ठीक है मैम। मुझे सुगर सुनाई दिया था, वो मिल्क बोले आवाज कुछ क्लियर नहीं आई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अभी समझ आ गया, क्लियर हो गया। ओके ओके मैम, थैंक यू। इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। फिर 1 चम्मच पानी हम और डालेंगे क्योंकि थोड़ा सख्त लग रहा है अभी। दूध में थोड़ा उबाल लग गया है तो इसे भी देखना है। थोड़ा दिखाइए कितना सॉफ्ट है। ऐसे
ऐसे दबा के देखेंगे तो एकदम उंगली ऐसे दब जाना चाहिए, ठीक है? ओके थैंक यू। इसको हम अभी ढक देंगे, फिर सेट होने के बाद अगर थोड़ा पानी लगेगा और थोड़ा गूंदना पड़ेगा, थोड़ा अगर सख्त हो जाए तो फिर बाद में एक बार 2-3 मिनट के लिए फिर से गूंद लेंगे। इसको अभी ढक के हम साइड में रख देंगे। अभी ये दूध में उबाल आ गया है तो इसको ये गीले कपड़े से ढकना है कि नॉर्मल ढकना है? नॉर्मल ऐसे ही ढक्कन से ढक देना, ठीक है? अच्छा, कोई भी ढक्कन से ढक देना। करुणा बना रही है क्या? हाँ बना रही हूँ। अच्छा हम गुलाब जामुन के लिए थोड़ा और सूजी लेंगे, उसको पीस लेंगे, मिक्सी में फिर से चला लेंगे, ठीक है? उसको भी चलाना है? हम्म, पहले बता देते तो एक साथ भी नहीं, उसका पीसने से क्या है, उसका नाप ठीक नहीं रहेगा। हाँ एक साथ ही पीस सकते हैं आप। कितनी एक कटोरी का बता रहे हो ना आप? है वो और भी आप मैंने एक कटोरी बता रहे हैं। मैंने एक कटोरी एक कप कोई भी एक नाप ले लेना। हाँ मतलब एक नाप ले। हाँ क्वांटिटी बड़ी बात है। तो गुलाब जामुन के लिए जो लेंगे उसमें ना थोड़ा और महीन पीसना है, इसे भी थोड़ा महीन पीस करना। फायदा हो गया तेरी मिक्सी ठीक होने का। हाँ सही बात है। यानी सूजी को क्या पूरा पाउडर बना देना है? हाँ गुलाब जामुन इधर अपनी मिट्टी की आवाज आ रही है, उधर दूसरों की मिट्टी की आवाज आ रही है, सबकी मिट्टी की आवाज। फेवरेट चीज नहीं बना रही अपनी? बना रही हूँ बहन, बना रही हूँ। देख मिक्सी बन गई। अच्छा मैंने देखा नहीं, आज सभी लगे हुए हैं इसका मतलब। हाँ सभी लोग एक साथ शुरू हो गए हैं बनाना। गुलाब जामुन तो लक्ष्य के भी फेवरेट है ना, तो वो भी तैयार खड़ा है। हाँ तो वही है। अरे आप गुलाब जामुन खाओगे क्या? बनाऊं जाके? लोग अपने अपने बच्चों के लिए बना रहे। हेलो 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 बोलिए परमेश्वर। हाँ मैम ये मेरा नेट नहीं आ रहा था, मेरे को सूजी का डो बता देंगे जरा? ये अभी नेट खराब था मेरा। एक मिनट इस प्रोसेस के बाद बता देंगे मैम। ठीक है तो ओके थैंक यू। सूजी का डो बता देना। हेलो 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 यस मैम। सूजी कितनी ली के लिए?
मैम सूजी बता दीजिए कितनी ली है। एक कटोरी, एक कटोरी एक कप कोई भी ले लीजिए। ओके इसके लिए डेढ़ कप लिया था, वो कितना भी ले लीजिए, आपको जितना बनाना हो अपने हिसाब से ले लीजिए। नहीं फिर वो रेशो खराब हो जाएगी ना, रेशो खराब हो जाएगी। नहीं गुलाब जामुन की पूछ रहे हैं, उसकी पूछ रही हैं डो के लिए, डो के लिए, डो के लिए। तो नमकीन वाला ढो पूछ रही है। हाँ नहीं तो उसमें भी तो ऐसा कुछ खास ज्यादा नहीं ना, जिसके लिए आपको सब का क्या करना है? हाफ हो गया। हाँ दूध तो हाफ हो गया है, मेरा भी हो गया। सूजी मेरा हो गया, अगर किसी का नहीं हुआ तो वो थोड़ी देर और रखेंगे। मैं पहले से थोड़ा उबल के रखी थी इसलिए मेरा ये हो गया एक कप के करीब। मैं छोटा बनू मैम, एक मिनट मैं ना सबको म्यूट कर देती हूँ। और एक पैन गैस में रखेंगे। चार चम्मच डालेंगे, फिर बाद में जरूरत हो तो और डालेंगे। थोड़ा गर्म होने दीजिए। मैम तब तक आप वो बता दीजिए कि दूध हाफ होने के बाद में फिर क्या करना है। हाँ फिर घी डालेंगे, एक पैन लेंगे उसके अंदर 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे और बाद में अगर जरूरत हो तो और डालेंगे। अभी के लिए 3 से 4 चम्मच डालेंगे। ठीक है सुनीता मैम, 4 स्पून घी डाला है इन्होंने। मैं एक मिनट कैमरा तो रख लेती हूँ एक जगह पे। अब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं मैम रिफ्लेक्शन आ रहा है विंडो से बहुत ज्यादा। अभी ठीक है? हाँ जी अभी ठीक है। और आपने ये सूजी में और क्या क्या मिलाया है? इसमें और कुछ नहीं मिला है अभी, ये इसमें ये जो घी डाला है पैन में इसके अंदर ये सूजी को डाल देंगे हम। ठीक है ओके। कविता मैम अभी कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ अभी जो पीसी हुई सूजी है उसको घी में डाल रहे हैं रोस्ट करने के लिए। मनीषा मैम क्या रिपीट करवाने हैं आपने? अभी इसको चला लेंगे। हेलो मैम एक बार रिपीट करवा लीजिए ना, क्योंकि बहुत आवाज हो रही थी तो कुछ समझ में नहीं आया ये सूजी वाला क्या कर रहे हैं। सूजी का इन्होंने अभी कुछ नहीं किया, पीसा है इन्होंने सिर्फ। हाँ पीस के फिर पैन में 3 से 4 चम्मच घी डाला है और उसके अंदर ये सूजी को डाल दिया है। डाल के अभी ओके चला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे। ठीक है अच्छा थैंक यू।
जल जाएगा। एक चम्मच घी और डालेंगे, सूखा सूखा लग रहा है थोड़ा। चम्मच और पानी डाला है, अभी क्या करेंगे हम, ये जो दूध उबल के रखा है ना, इसको इसमें डाल देंगे, सूजी के अंदर ये दूध को डाल देंगे। मैम ये सूजी गोल्डन ब्राउन करनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा सा एकदम गोल्डन नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा सा कलर आया है, अभी इसमें हम दूध डाल देंगे। घी का स्मेल भी आ रहा है, इसी स्टेज में हम डालेंगे। और दूध एक बारी में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में डाल देने से ना गुठलियां पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे इसमें, चलाते जाएंगे इसको, दूध डालेंगे और चलाते जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे इसमें। ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे। Thank you.
और एक चम्मच डालेंगे। 4 चम्मच हमने दिया है, इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अभी दूध पूरा सूख गया है, हम देखेंगे कि ये कढ़ाई से थोड़ा उठ के आ रहा है। अभी फिर से 1 चम्मच घी डाल देंगे। ऐसा हो गया। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको अभी हम एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्लेट में निकाल लिया है, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। एक बार मसल लेंगे थोड़ा। दो मिनट के लिए मसल लेंगे। अगर पानी चाहिए तो, जैसे मेरा थोड़ा सख्त हो गया था सूजी फूल के, तो ऐसे देखेंगे अभी जैसे दब रहा है। हाँ अभी ठीक है, ऐसा वाला ही चाहिए। Thank you.
भी इसको हम क्या करेंगे, छोटा छोटा बॉल बना लेंगे इसका। मसल लेने के बाद क्या करेंगे, छोटा छोटा बॉल बना लेंगे एकदम छोटा छोटा। एकदम इतना छोटा छोटा बॉल बना लेंगे ऐसे। दिखाई दे रहा है क्या? अब एक फॉग लेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो बॉल बनाया है ना छोटा, इसको थोड़ा ऐसे हाथ से दबा देंगे, दबा के थोड़ा ऐसे ऐसे दबा के फिर ऐसे रोल करेंगे ऐसे, थोड़ा प्रेस कर देंगे। दिखाई दे रहा है प्याली? हाँ प्याली, जो गुलाब जामुन के लिए बनाई सूजी में जो उबल रहा था दूध, वही मिक्स करी क्या? हाँ हाँ हाँ, उसी को मिक्स करके डो बनाना है। हाँ उसी को मिक्स करके थोड़ा चला लेना है और ऐसा ऐसा कंसिस्टेंसी आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये भी देखते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसे गूंद नहीं पाएंगे। अभी ये हम रख देते हैं, ये बाद में करेंगे। इसको भी थोड़ा मसल लेना है ऐसे करके। ये गुलाब जामुन के लिए जो डो बनाया था ना, ये थोड़ा गर्म रहते रहते ही इसको थोड़ा मसल लेना है ऐसे हाथ से दबा के। ये थोड़ा गर्म है लग रहा है। मैम चाशनी कब बनानी है? चाशनी अभी बनाएंगे। इसको ना अच्छे से गूंदना है। मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है, अभी ठीक है। हाथ से दबा दबा थोड़ा गर्म है अभी भी। मैम एक बार फोक वाला जो आपने बताया था वो बताइएगा दोबारा। हाँ इसको थोड़ा अभी कर लेते हैं फिर इसके बाद बताएंगे। ठीक है आपने फोक में फोल्ड कैसे किया था वो बता दीजिए। वो नमकीन वाला में हाँ। नमकीन वाले को लेंगे ऐसे ऐसे छोटा एक बॉल बनाएंगे, छोटा सा एकदम छोटा एक बॉल बना लेंगे। ठीक है इसके बाद ऐसे चम्मच का उल्टा पकड़ेंगे, उल्टा करके पकड़ेंगे ये फोर्क को उल्टा करके पकड़ेंगे, फिर थोड़ा हाथ से दबा देंगे और ऐसे रोल कर लेंगे ऐसे करके ऐसे रोल कर लेंगे तो ऐसा एक शेप बन जाएगा। ठीक है रोल करते हुए उसे बाहर की तरफ फोल्ड कर देना है। हाँ हाँ ओके। और एक करती हूँ, एक बॉल बना लेंगे फिर इसको अच्छे से दबा के थोड़ा हाथ से प्रेस करेंगे और ऐसे बाहर की तरफ रोल करेंगे
ऐसा एक शेप बन जाएगा। तो ठीक है, अभी इसको थोड़ा और मसल लेंगे, ये हम बाद में करते हैं। बहुत अच्छे से इसको मसलना होगा, जैसे आटा गूंथते हैं ना हम वैसे। ये दो अगर किसी के हाथ में चिपक रहा है, जैसे मेरा तो चिपक नहीं रहा है, तो थोड़ा सा घी डाल दे सकते हैं इसमें, एक चम्मच। अभी हम क्या करेंगे, इसका अच्छे से मसल लेने के बाद इसका ना बॉल बनाएंगे। इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं ना? नहीं, मिक्सी में उतना अच्छा नहीं होगा, हाथ से जितना अच्छा होता है मिक्सी में उतना अच्छा नहीं होगा। ओके, हाथ से भी अच्छा होता है। जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे। यस। अब हम इसका बॉल बना लेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं और अंदर की तरफ थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा किशमिश भी डाल सकते हैं, कोई काजू भी छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल सकते हैं। मैं थोड़ा किशमिश डाल रही हूँ इसके अंदर। और ध्यान ये रखना है कि इसके कोई क्रैक ना आए, ये जो बॉल बनेगा उसपे कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक आ जाता है तो गुलाब जामुन तेल में जाके फट जाएगा। अच्छे से बनाना है ऐसे लड्डू की तरह, तो सबको पता ही है। ऐसे बनाना है। अच्छे से दबा लेंगे पहले हाथ में, तो फिर क्रैक नहीं आएगा। किशमिश डालेंगे इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, कोई नहीं भी डाल सकता है, लेकिन डालने से अच्छा लगता है, मुंह में आता है बीच में। थोड़ा छोटा हो गया,
इसके बीच में हम क्या करेंगे, चाशनी तैयार कर लेंगे गुलाब जामुन के लिए। तो इसके लिए हम एक पैन को रख देंगे, फिर चीनी डालेंगे इसमें एक कप। पानी डालेंगे एक कप, इस बीच में चलाते रहेंगे। चलाते रहेंगे चाशनी को, और यहाँ पे ये भी तैयार करेंगे। मैम इसमें शुगर कितना मिक्स किया है? एक कप चीनी और एक कप पानी दिया। ओके, एक कप पानी लेना है सुनीता मैम, और अर्चना मैम एक कप चीनी लेना है। चीनी थोड़ा और लग सकता है तो वो हम अगर बाद में देखेंगे डाल देंगे इसमें। मैम आप पूरे डो का मत बनाइएगा, जितने बने हैं आप उतने में ही बता दीजिए, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। ठीक है, तो हम तेल को गर्म कर लेंगे। कोई घी में अगर तलना चाहता है तो घी भी डाल सकते हैं, मैं तेल में ही डाल रही हूं। चाशनी को बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। तेल को हम
अभी गर्म होने के लिए रख दिया है। चीनी लगता है थोड़ा लगेगा और इसमें और हाफ कप दे रही हूँ। भी हम इसको ना क्या करेंगे, एक तरीका और भी है, इसको हम बेल लेते हैं। जो नमकीन जो है ना, ये तेल बीच होने के, तेल गर्म होने के बीच में हम ये कर लेते हैं। ये थोड़ा रोटी जैसा, इतना पतला नहीं, थोड़ा मोटा बेल लेना है, ठीक है। इसको कट कर लेंगे, फिर जैसा बोला था वो कॉल के सहायता से ऐसे 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 करके और शेप भी दे सकते हैं, ऐसे बो टाइप का होता है। इसका एक और शेप भी दे सकते हैं, हम इसको बेल लिया है मैम। तो बेल प्याली मैम, प्याली मैम इनकी नमकीन का शेप देख लीजिए आप। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। प्रति मैम, निक्की, थैंक यू मैम। मैम वो बेलना क्या बोल रहे हो आप, मैंने तो ऐसे रेडी करा है, अब क्या बेलने बोल रहे हो? नहीं नहीं ये ठीक है, आई थिंक नहीं। ओके मैम, अभी तो ऐसे ऐसे बेल लिया हमने, बेल के भी ये छोटा छोटा टुकड़ा उठा के फिर वैसा जैसा शेप दे रहे हैं वैसा दे रहे हैं। अच्छा, जैसे वो बोल रहे थे ना कि आप फोक पे डायरेक्ट लगा के प्रेस करो एंड ऑल, so instead of that you can मतलब बेलना से बेल भी सकते हैं आप। Either of the two ना मैम? Either of the two, yes. Okay मैम। और आप एक और भी शेप बना सकते हैं, जैसे मैं ये छोटा एक टुकड़ा लिया और बीच से बीच में से ऐसे दबा देंगे तो एक बो टाइप का बन जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी मैम। तो वैसा भी बना सकते हैं और ये कोम से भी बना सकते हैं, अगर किसी के पास नए कोम है, तो मेरे पास अभी नहीं है नए, तो उससे और भी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब लंबा लंबा बनता है थोड़ा। दिखाइए कविता मैम। अरे वाह, आपके बन भी गए। प्याली मैम देख लीजिए। अरे बन भी गए। अब हम nice. गुलाब जामुन को तल लेंगे। अभी मैं लैपटॉप में से निकाल रही हूँ। खाइए खाइए। थैंक यू, बस पीछे कर लो। प्याली मैम, ये चाशनी का कितना गाढ़ी होनी चाहिए?
थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब एक तार दो तार ऐसा कुछ नहीं है, जैसे चाशनी होता है नॉर्मली okay. ना तो बहुत थिक रखनी है और ना ही ज्यादा लिक्विड ही रखनी है, राइट? हाँ 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 मीडियम. प्याली मैम देख लीजिए. हाँ बहुत सुंदर बनी है. सुनीता मैम आपका वीडियो स्पॉटलाइट नहीं हो रहा है. मीनाक्षी मैम दिखाइए. हेलो मैम. हाँ जी मैम. ये ऐसे ही रहेगा ना नमकीन? ठीक से दिख नहीं रहा मैम, लाइट पड़ रही है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ही रहेगा. और मैम ये चाशनी क्या बंद कर देनी है उसके बाद गुलाब जामुन डालने क्या उसमें? हाँ 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 चाशनी बंद कर देने के बाद गुलाब जामुन डालने. ठीक है. और ये गुलाब जामुन को मतलब लो फ्लेम पे रखना है? हाँ गुलाब जामुन को जो तल रहे हम लोग वो लो फ्लेम पे रहेगी. हाँ 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 दिखाइए उमा मैम. वाव बहुत अच्छी बनी है. नाइस. दिखाइए नमिता मैम. वेरी नाइस मैम देख लीजिए. प्यारी मैम
मैंने थोड़ा लेंथ कम रखी है, थोड़ा राउंड ही की है। अभी हम इसको थोड़ी सी बनी है, मैंने तो ज्यादा नहीं बनी है। कल लेंगे रति। हाँ जी मैम, परफेक्ट, थैंक यू रति। यादी मैम देख लीजिए। हाँ ठीक है, सुंदर बनी है, बहुत सुंदर। हाँ जी रति जी, गुलाब जामुन कहाँ है आपके? ये रहे। अभी कल बनी होंगे। मुझे लग रहा बनाते बना मुझे लगा बनाते बनाते ही खा गए आप। सच में मुझे ना दो चीजें बहुत पसंद है, एक राजमा चावल और एक गुलाब जामुन। मुझे देख के कंट्रोल नहीं होता इनको। जैसे आप बना के वेट करोगे आप? यस चंदा मैम, देखो ये ठीक बना है। प्यारी मैम देख लीजिए। हाँ बहुत सुंदर बनी है, अच्छी बनी है। गुलाब जामुन बन रहा है। गुलाब जामुन ठंडा होने के बाद डालना है चाशनी में या चाशनी जैसे अभी बंद किया है तो डाल दें? एकदम ठंडा होने के बाद नहीं डालना है, थोड़ा गर्म रहेगा तभी डाल दें। अभी जैसे चाशनी बंद की है तो अभी नहीं डालना है ना, अभी तो बहुत गर्म है चाशनी। हाँ अभी डालने से थोड़ा वो फट जाएगा, डाल सकते हैं आप लेकिन फट जाएगा, नहीं तो फिर वही फट जाएगा। हाँ निकल लेना चाशनी में इलायची थोड़ा डालना है, तुम्हें भूल गई बोलने। रीटा मैम दिखाइए। देखिए मैम दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहा है मैम, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बनी है। ठीक बनी है, दो साइज बनाए मैंने, छोटा बड़ा सूट। बनी है, बहुत सुंदर बनी है। थैंक यू, बहुत अच्छा बनाया आपने। सभी का बन गया, मेरा ही नहीं बना। एक बात बोलूं मैं फर्स्ट टाइम सूजी को ग्राइंड करके कुछ रेसिपी बनाई हूँ, फर्स्ट टाइम। दिखाइए अर्चना मैम। यस इधर पीले पीले कैसे हो रहे हैं? मैम हल्दी डाली थी अर्चना, नमकीन में हल्दी डाल दी क्या? लाल मिर्च डाली है ना, तुझे पता है लाल मिर्च खाते हमारे यहाँ। नहीं आधे पीले लग रहा है आधे ठीक देखने में लग रहा है इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा इसी में से निकाल के खा जाऊंगी मैं। याली मैम रेडी है? हाँ हाँ एक थोड़ा और चलना है, ये हो गया। अच्छा मंजुला मैम को शेप समझनी थी कि उन्होंने आपने नमकीन की शेप कैसे बनाई है। ये फॉक फॉक को उल्टा करके उसके अंदर दबा थोड़ा दबा के थोड़ा उंगली से प्रेस करके फिर उसको रोल कर दिया।
दिखाइए रोहिणी मैम। गरम है। Very nice. प्याली मैम देख लीजिए, ये नमकीन और ये अच्छा बना है। थैंक यू, बहुत सुंदर। प्याली मैम अभी जितने हो गए आप उतने दिखा दो। दिखाई निकी मैम। Very nice, careful. प्याली मैम देख लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या बनी है ये देखिए, मेरा भी बन गया। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। आप एक बार उसे हाथ में ले लीजिए क्विकली मैम। ठीक है, मैम एक सेकंड बस। मैम उसके अंदर का नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी मैम, हाँ ठीक है मैम, एक सेकेंड। ठीक है मैम। चंदना एक मिनट, चंदना मैम अच्छा बनाया है, पर मैं किसी का देखी काफी अच्छे खुले बच रहे, अच्छा लग रहा था। दिखाइए बबीता मैम। प्याली मैम देख लीजिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे सामने की तरफ लाइए, नहीं दिख रहा है। हाँ अभी करती हूँ ना, और भी तो बनाऊंगी ना, फिर करते हैं सब डाल दूंगी। अभी मैं जरा फोटो लूंगी ना। रति मैम मेरा भी दिखा दीजिए, एक मिनट मैम। प्रोसीजर इसका बड़ा लंबा है, बड़ी मुश्किल से बनते हैं ये। दिखाइए मीनाक्षी मैम। ये ना फोटो के चक्कर में ना ये ट्रे की ट्रे गिरेंगी, मैं बता रही हूँ। अभी निकी मैम की गिरने वाली थी, चंदना मैम की, और अब आपकी। हाँ मैम देखिए, बड़ा मुश्किल काम है ये। ठीक है मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। दिखाइए चांदनी मैम। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। हाँ जी पूनम जी, पूनम मैम।
मेरे जो आपने दूध उबाला था दूध में कुछ मिलाया था? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं मिलाया था, सिर्फ 2 कप दूध था, उसको उबाल के 1 कप तक करना है। अच्छा, फिर उस दूध को किस जगह ऐड किया आपने, क्या कहाँ यूज किया? उस सूजी के अंदर मिलाया था? सूजी को थोड़ा भून लिया है घी में। हाँ जी, 2-3 मिनट भूनने के बाद तभी उस दूध को उसमें डाल के फिर चलाना है, फिर एक डो जैसा बन जाएगा, तब उसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, बस वो दूध वाला समझ नहीं आया था क्या किया था। ओके ओके, थैंक यू। दिखाइए बबीता मैम, देखिए प्याली। हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है। मैम आपने ज्यादा फ्राई कर दिए क्या वो नमकीन वाला पार्ट? वो थोड़ा ज्यादा फ्राई हो गया लगता है, लेकिन अच्छा लगेगा। हाँ फ्राई जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। ओके, अब जिन्होंने बनाया आप क्विकली हाथ में ले लीजिए। शोभना मैम कंट्रोल नहीं हो रहा ना आपसे। हाँ शोभना बहुत सारे गुलाब जामुन देख रही है, इनकी नजर नहीं हट रही है गुलाब जामुन से। पेट में गया कि नहीं अभी? बस इस फोटो के बाद, इस फोटो के बाद जाएगा। हाँ फोटो तक सबको इंतजार करना होता है ना। हाँ जी, एक एक मिनट, मैं सबको ना अनम्यूट, सबको म्यूट कर रही हूँ। कल का जो हमारा सेशन है उसके लिए श्वेता मैम को कुछ बताना है, सो मैं एक मिनट श्वेता मैम को अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट पे कर रही हूँ। मैम पिक ले लिए क्या आप? फोटो ले ली मैम। रति जी आप पहले फोटो ले लीजिए, हम लोग हटा लेते हैं ट्रिप। मैम ले ली फोटो। ओके ओके मैम, थैंक यू। श्वेता मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Yeah, I'm unmuted. Hello everyone. सब म्यूट पे है ना? सब म्यूट पे है, राइट। सो बहुत ही टेस्टी सेशंस थे, और कल मुझे लगता है मैं अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद सेशन लेने वाली हूँ। कुकिंग नहीं आती है इसलिए कोई कुकिंग सेशन नहीं है, बट क्योंकि सारे सेशन किचन रिलेटेड है राइट, तो किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट मैनेजमेंट तो काफी इम्पोर्टेंट होगा और हम घर पे ही कर सकते हैं ये, तो आप जरूर अटेंड करिएगा। और एक और चीज, आप साथ में एक नोट पैड और पेन भी रखिएगा, जिससे अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो आप वो नोट कर सकते हैं पॉइंट। हमारे एक्सपर्ट काफी सारे पॉइंट्स देंगे तो वो आप नोट कर सकते हैं। बस इतना ही, थैंक यू। थैंक यू श्वेता मैम, वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस सेशन नाउ। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्याली मैम, इट वॉज अ रियली नाइस सेशन एंड आई थिंक सबका कम्प्लीट हो गया है। और कल के सेशन के लिए मुझे ये बताना था कि कल एक एक्सपर्ट सेशन है किचन वेस्ट मैनेजमेंट पे, जिसके लिए एक एक्सपर्ट के सेशन लेंगे थ्रू श्वेता मैम। ओके, और वो आपको बताएंगे कि जितनी किचन की वेस्ट चीजें होती हैं उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप उसे यू नो रिसाइकिल कर सकते हैं, या फिर कैसे जो आपका वेस्ट चीजें होती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। सो जैसे श्वेता मैम ने बोला कि जब आप इस सेशन में रहेंगे आप एक नोटपैड और पेन जरूर रखिएगा अपने पास, कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं तो वो आप यूजफुल लगते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू प्याली मैम वंस अगेन, थैंक यू। एंजॉय योर गुलाब जामुन, एंजॉय योर गुलाब जामुन नाउ। थैंक यू रति, बाय बाय मैम, बाय बाय मैम, बाय रति, बाय एवरीवन, बाय रति, थैंक यू रति, थैंक यू ऑल सुपर मॉम।